पांच दिन के दीवाना में संगत बहुत आई, लागले पिंडां तो भी जुड़ी। तो उन्होंने दीवाना में एक परिवार अमृतधारी उन्हां दी बच्ची भी नाल संगत में आ रही सी। उदों एम कॉम के पेपर जिहड़े सन वो फाइनल एग्जाम चल रहे सी। तां ओ जिहड़ा पेपर सी दो चार दिन विच छड के हुंदा सी, बच्ची चलो नाल दीवान विच आउंदी रही, कथा कीर्तन सुणदिआं सुणदिआं उहदा मन जुड़ गया गुरु नाल। आखिरी दीवान ते अनाउंसमेंट होई कि अमृत संचार होणे, ककार प्रबंधकां वल्लों दित्ते जाणगे, सो किसी इशनान करके उह संगतां पहुंचण, इन्ने वजे अमृत संचार है अमृत वलाखियां लई। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਛਕਣਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਨੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, BA ਐਮ ਕੌਮ ਕਰ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੂ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਛਕਿਓ ਚਾਹੇ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਰੋਕਿਓ ਨਾ अपने बच्चों नूं ना रोके। तो वह जिहड़ी लड़की सी उदों तां चुप कर गई, मन में गुरु की प्रीत इन्नी वसी, विश्वास बाणी नाल प्यार इन्ना बनिया। जदों बाणी नाल प्यार बन जाए, बाणा मल्लो मल्ली धारण करन जी करदा, मल्लो मल्ली प्रेम तां बने। तो उस बच्ची का मन बन गया, उन्हें उस दिन किसी इशनान किया, घरदिआं नूं नहीं दस्सिआ। कहिंदी मेरी पेपर की तैयारी है कॉलेज विच, मैनूं जाणा पैणा। मैडम ने बुलाया, प्रोफेसर ने, असी पेपर की तैयारी क्लास लगनी। उन्हें कहा कोई गल, घरों पेपर के बहाने गई, किसी स्नान करके चली गई, उत्थे ककार तो मिलना ही सी। ककार लैके अमृत छकिया, खंडे वाटे की पौल छकी, श्री सब कृपान उपर जी पा के घर आके परिवार को कहिंदी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जदों उन्हें कृपान वेखी, मां तो सड़ गई उहदी, किनू पुछ के छकिया तेनू रोकया से? कहनी मां कदे वास्ते रोकया मैंने? तो उन्हें कहा तेनू वार घर कितों लभू, अगे तेरनी पढ़ाई कर ली है, अगे ते कोई घर वार रिश्ता नहीं लभदा, हुण तू अमृत छक लिया, उपरों हुण कितों रिश्ता लभेगा। उस बच्ची ने गल बड़ी प्यारी कही, एहो जिहियां धीआं भैणां नूं नमस्कार है। और नौजवान बच्ची बोली, कहनी मां अज जदों अमृत संचार होया ना, पंज प्यारियां ने जदों खंडे वाटे दी पौल दित्ती, ते बाद विच अमृत छका के कहा अज तो बाद तुहाडी जन्म भूमि श्री आनंदपुर साहिब, अज तो बाद तुहाडा कोई जात कुल वर्ण जात सब खत्म, तुसीं खालसे होए। अज तो बाद तुहाडे धर्म दी माता माता साहिब कौर, अज तो बाद तुहाडा पिता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज। मां अज मैनू पंज प्यारियां ने यह गल कही, अज तो बाद तुहाडी मां माता साहिब कौर, तुहाडा पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज, तुहाडी जन्म भूमि आनंदपुर साहिब, ते मेरी ये माए, अज तो बाद मेरा पिता गुरु गोबिंद सिंह बन गया, हुण मेरा वर घर मेरा पिता आपे लभ लेगा, तू ना फिक्र करी। इन्ना विश्वास चाहिए, मेरा पिता ही गुरु गोबिंद सिंह हो गया, वो आपे ही वर लभ लेगा। बच्ची दे विश्वास अगे घर दे चुप कर गए, एग्जाम उहदे पास हो गए, उन्हें फर्स्ट डिवीजन विचों डिग्री लई, तीन महीने प्राइवेट पढ़ाया, फिर उन्हें सरकारी नौकरी टीचर की मिल गई। उस तों बाद हुण सुणियो, जदों टीचर की नौकरी मिल गई, तीन चार महीने लंघे, रिश्तेदारी विचों एक रिश्ता जुड़िया। जदों गुरु ते डोरियां छड़ दोगे ना, गुरु लभ लैंदा फिर। तां मैथ टीचर लगा होया नौजवान अमृतधारी नितनेमी, और रिश्ता हो गया। 15 दिनां विच विआह रख्या, शादी करके बच्ची नूं पटियाले तों गुरदासपुर भेजिया गया। वह नौजवान की नौकरी गुरदासपुर सी, छोटी जी एक कलोनी विच रहिंदे सन। तां बच्ची की बदली, 15 दिन की छुट्टी भर के बदली भर दित्ती, उहदी जॉब भी उत्थे तब्दील हो गई। हुण उह दोवें जणे जॉब करदे ने, टीचर लगे हुए। सवेरे अमृत वेले उठना, पहला इशनान करके बाणी का नितनेम करना, फिर दोवां जणिआं ने लग गए गुरद्वारा साहिब मत्था टेकणा। कलोनी विच ही सी छोटा जिहा। उस तो बाद घर आ के सिंगड़ी ने प्रशादे तैयार करने, सरदार जी ने तैयार होना, कट्ठे आपो अपनी जॉब स्कूले चले जाना। तां गुरु ने नजर कीती, सब कुछ बख्श दिता, बाणी बाणा चंगा घर चंगा बर नितनेमी जीवन, ते फिर केड़ी चीजल कोई जी।
लोग पुत्र धियां मंगदे ने, गुरु ने वह भी झोली भरती, पुत्र भी दिता धी भी दिती। जदों सत साल लंघे ना, सत साल कदे कदे गुरु परख के वेखदा सिख नूं बे है भी इहदे विच कुछ के एवें पाई फिरदा, ये भी जिंदगी तैयार रहो। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ने मैंटली प्रिपेयर किया, किसी धोखे च नहीं रखा कि तैनू दुख नहीं आने। बिल्कुल कहा उन्हें, सुख दुख दोएदार कपड़े पहरे जाए मनुख, पर तू सुख विचों नू चेते रखी तेरे दुखा की जिम्मेवारी ले। आणगे जरूर तेनू दुख दर्द नहीं देणगे, मुश्किल आएगी सही, तू मनमुखा की तरह टुटेगा नहीं, तेनू गुरु टुटन नहीं दिंदा। झखड़ते झुलदे ने सजणो, जेड़े दरख्त दियां जड़ां थले लगियां रहिंदियां ने, सच है उहदे पत्ते हरे रहिंदे ने, टुटदे नहीं। गुरु की बाणी नाल कोई जुड़िया रहे झखड़ ते आउंदा है पर गुरु टुटन नहीं दिंदा, दुख ते आउंदा है पर डोलन नहीं दिंदा। सत्तां सालां बाद उहनां दे घर च दुख आया, उहदे घर वाले नूं माड़ा जिहा खंघ रेशा वधदी वधदी बीमारी वध गई, टीवी हो गई, पीलिया हो गया, इलाज ही ना होवे कितें, दवाई लैण 10 दिन लगे, फिर रो 10 दिन दवाई कम करे फिर हट गए। 6 महीने गुजर गए, हुण 6 महीनों बाद समर दियां छुट्टियां गर्मियां दियां पईआं, तां 20-25 दिन दुख विच ही लंघ गए। जिन्ने रिश्तेदार खबरां लैण आए, हर इक ने कोई गल कही, किसे नूं पुछ दस के वेख लो, कोई खलाया ही ना होवे किसे ने। माफ करियो जे आपनी सिख डोलदे रिश्तेदार डुला दिंदे ने, कई इदां दे रिश्तेदारां दी गल ना मन्नो, विश्वास विच रहो, माफ करियो। मैं एक दिन मंजी साहब तों बेनती कीती, बंदा आप सही रहिंदा, भूआ मासी आके पंगा पा देनी। मैं वेख्या जी मंगलीक है, 5 किलो लड्डू तो मैं सुखे होए ने, उहनूं पुछे तू काले सुखे ने। माफ करियो, ये जान बुझ के हो रहे, बचो इस गल तो, सिखो विश्वास रखो गुरु ते, जेदा कोई मत धर्म इजाजत दिंदा है करी जाए, सिख गुरु ग्रंथ साहिब तो पासे ना जावे, ये चेते रखियो। ओ बीबी दे घर वाले नूं रोग लगे, 25 दिन लंघ गए, थोड़ा जिहा ठीक होया, उन्हें कहा सिंगड़ी नूं मैं ते जा नहीं सकदा, सफर नहीं कर सकदा, छुट्टियां लंघ गईयां, थोड़े दिन रह गए, तू बच्चियां नूं पिके घुमा लिया इन्हां दे नानके, वह लै गई। जदों पहुंची पटियाले, घर परिवार विच बच्चे खेडन लग पए, बच्चियां विच मां मां नूं प्यो मिले, आपस विच बैठे गल्लां बातां कीतियां, रात दी रोटी खाधी, बैठिआं बैठिआं रात उहदी मां फिर रोटी खांदिआं कहिंदी, उद्दां तूं जिदी बहुत है, मन्नणा ते है नहीं अपनी लड़की नूं, कहिंदी पुछ दस के वेख ला, हटदा नहीं तेरे घर वाले दा रोग, किसे ने खलाया होणा है। उहने कहा मां कित्थों पुछणा है। कहिंदी एक बाबा है नाभे वाले रोड ते, पीर बाबे दी समाध ते बैठा है, वह दसदा ते धागा तवीत भी दिंदा, बड़े लोग राजी हुंदे ने। बच्ची ने कहा मां मैं पुछ लिया। उन्हें कहा कित्थों, कहन लगी मैं दुनिया के सब तो वड्डे बाबे गुरु ग्रंथ साहिब तो पुछ लिया। उन्हें कह दिता सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख, उन्हें कह दिता तेरे कर्मा च लिखा होया धीए, इते मन मूर्ख काहे बिल लाई है, पुरब लिखे का लिखिया पाई है, दुख सुख प्रव देवन हार। दसता मैनू उहदी मां ने कहा तू जाके ते वेख उत्थे। उन्हें कहा मैं अमृत छकिया मां, मैनू केड़ा रस्ता पा रही है। उहदी मां ने कहा बड़े अमृतधारी आउंदे ने वेखते सही जाके। उन्हें क्या आंदे होणगे जिन्हां गुरु ग्रंथ साहिब ते विश्वास नहीं, जिन्हां गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते भरोसा नहीं, आंदे होणगे। मां मैं नहीं जाना, ते उहदी मां ने कहा किहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब, जिन्हूं 6 महीने हो गए तेरे घर वाले नूं तां ठीक नहीं कर सकिया, किहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जिन्हें तेरे घर दे रोग नहीं हटाए। इन्नी गल सुनी ते अखां भर लईआं, हथ जुड़ के कहा मां मैनू जो मर्जी कह लै, मेरे गुरु के खिलाफ ना बोली, नहीं ते तेरा मेरा रिश्ता इत्थे खत्म। वो चुप कर गए, अपने कमरे च पै गई, बच्चियां कोल रहना सी 2-4 दिन, दिल ना लगा, सवेरे बच्चियां नूं नाश्ता कराया, चल पे वापस। जदों गुरदासपुर पहुंची ना, रात का भरमा मीह पिया होया, दिने भी बदल, बारिश बरीक बरीक किणी दी हो रही, बस अड्डे उतर के ने 5 रुपए दे के रक्षा लिया, घर नूं चली गई। बीबियां तो बगैर घर घर नहीं रहिंदा, भावें 1 दिन वास्ते पिके चलिया जा, माफ करियो घर माइयां नाल ही हुंदे। उहने आके देखिया घर विच सफाई, क्योंकि मीह नेरी नाल सफाई कीती, कमरे साफ कीते, बर्तन धोते, बच्चे सफर थक गए सुला दिते। इन्ने नूं बदल गाढ़ा होया, हवा चल रही सी, बरीक बरीक किणियां डिग रही सन, घर विच इहने झाड़ू मारदिआं मारदिआं विहड़े विच आई, मां दी गल चेते आ गई, किहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब।
जिन्हों 6 महीने हो गए तेरे घर वाले तो ठीक नहीं कर सकया। इन्नी गल आई अखां भर लईआं, हे गुरु ग्रंथ साहिब ये लोकी कैसे ने, साडा ते विश्वास है पर मीणा मारन वाला नहीं हटदा, अजे दिल भरिया सी इन्ने नूं किसी ने दरवाजा खड़काता, इन्हें झाड़ू परां रखिया हाथ धो के दरवाजा खोलिया। जिहड़े सलीके वाले घर ने जी उह बीबियां सिर कज के दरवाजा खोलदियां ने, नंगे सिर नहीं। अमरधारी सी सिर कदया बड़े प्यार नाल दरवाजा खोलिया, जदों दरवाजा खोलिया हैरानी दी हद ना रही। दरवाजे च 5 सिख खलोते ने, एक सिख दे सीस ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दा स्वरूप है, एक चौर साहिब कर रहा है, एक ने हाथ जोड़ के कहा भैणे सानू पता लगा तुहाडे घर एक कमरा वाधू है, 3-4 कमरे ने जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश सी वह राती कमरा चोर है, अजे बरसात हटन का ना नहीं लैंदी, असी सलाह की है प्रकाश ही तुहाडे घर कर दे। ते हाथ जोड़ के कहा जी आया, उन्होंने पता सी परिवार अमृतधारी है, नितनेमी गुरसिख ने, ते जेड़े कमरे च पोथियां नितनेम वालियां उत्थे चंदवा साहिब बनिया, तैयारी होई, सतनाम वाहिगुरु जपदे रहे, गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया, इन्हें बच्चियां नूं ठालिया, चौहां जीआं ने मत्था टेकिया, घर वाले मास्टर ने आप दोहां बच्चियां ने मत्था टेक के बह गए, एक सिंह चौर साहिब कर रहा है, एक ने बड़े अदब नाल प्रकाश किया, प्रकाश करके नेम सी हुक्मनामा लैना, धन गुरु ग्रंथ साहिब बोले फिर देखो गुरु ग्रंथ साहिब बोलदे सुनना आ जाए किसी, एक बार आखो सतनाम श्री। तब गुरु ग्रंथ साहिब जी बोले धीए मेरे नाम ते तैनू किसी ने मेड़ा मारिया कि तेरे घर का रोग तो हटा नहीं सकया। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज इंज लग्या जिवें बोल के कहिंदे ने धीए मेरे ते विश्वास रखण वाली है, जा मेरी बचीए, अज तो बाद तेरे घरों दुखां रोगां दा डेरा चुकिया गया, तेरे घर दुख नहीं आउणगे। गुरु ग्रंथ साहिब दा हुक्मनामा आया, साहिब ने बोल के कहा सोठ महला पंजवा परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना अनद करे नर नारी हर हर प्रभु कृपा तारी। ओ दिन हद परत के कितों गोली तक नहीं एक लेनी पई वे दवाई भी लेनी है, पता नहीं टीवी किधर चली गई पीलिया किधर चला गया सब रोग हट। इन्ना वड्डा गुरु है साडा, बदकिस्मती असी फिर भी पट गई है।